पश्चिम बंगाल के समग्र विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सतत प्रयास किए हैं। बीते 10 वर्षों में पश्चिम बंगाल में मोदी सरकार द्वारा रेल, रोड, वाटरवेज, शिपिंग, पेट्रोलियम विभागों समेत वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में किया गया है अभूतपूर्व निवेश और कार्य। पश्चिम बंगाल के लोगों के बेहतर भविष्य के लिए और आधुनिक पश्चिम बंगाल के निर्माण के लिए मोदी सरकार कृत संकल्प है और ये है मोदी जी की गारंटी। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज पश्चिम बंगाल को देने जा रहे हैं 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात। और आज जब देश में कनेक्टिविटी बढ़ रही है, रेलवे, हाईवे, आईवे, वाटरवे आधुनिक हो रहे हैं, तो इससे ईज ऑफ ट्रैवल भी उतना ही बढ़ रहा है। इसका बड़ा लाभ बंगाल के लोगों को भी मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी आज पेट्रोलियम सेक्टर की 2 परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। इनमें शामिल है खड़गपुर में बॉटलिंग प्लांट। इससे खड़गपुर के आसपास के क्षेत्रों में एलपीजी की सुगम आपूर्ति हो सकेगी। हल्दिया बरौनी क्रूड ऑयल पाइपलाइन, इससे बरौनी, बोंगाईगांव और गुवाहाटी रिफाइनरी तक कच्चे तेल की सुरक्षित और किफायती तरीके से आपूर्ति होगी सुनिश्चित। साथ ही पश्चिम बंगाल में नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत हावड़ा, बाली तथा कमरहाटी और बारानगर में इंटरसेप्शन और डाइवर्जन INT एवं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन होने से हुगली नदी और गंगा नदी का प्रदूषण कम होगा। साथ ही आज हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स की ऑयल जेटीज पर फायर फाइटिंग सिस्टम और तीसरी रेल माउंटेड की क्रेन RMQC का उद्घाटन होने से आग लगने जैसी दुर्घटनाओं का खतरा टाला जा सकेगा। वहीं रेल माउंटेड की क्रेन से कार्गो और कंटेनर हैंडलिंग क्षमता में वृद्धि होगी। इसके अलावा कोलकाता डॉक सिस्टम की अलग अलग बर्थों में सुविधाओं को उन्नत करने और कार्गो हैंडलिंग को आधुनिक बनाने के लिए विभिन्न परियोजनाओं का किया जा रहा है शिलान्यास। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने वाली भारतीय रेल की 3 परियोजनाओं का आज राष्ट्र को समर्पण किया जा रहा है। इनमें शामिल है सोंडालिया चंपापुर रेल खंड का दोहरीकरण, डानकुनी भट्टानगर बाल्टीकुरी रेल खंड का दोहरीकरण और झारग्राम सलगाझारी रेल खंड पर नवनिर्मित तीसरी रेल लाइन। इन परियोजनाओं से पश्चिम बंगाल में कनेक्टिविटी होगी सुदृढ़ एवं राज्य के लोगों को मिलेगी LPG, स्वच्छ जल एवं उन्नत सुवरेज निस्तारण की सुविधा। और इसके साथ ही सिद्ध होगा विकसित पश्चिम बंगाल, विकसित भारत का संकल्प।